अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं असगर फैक्ट। मैं हूँ ताजुद्दीन। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का टॉपिक लेके आया हूँ एग्जिट पोल के लेके। एग्जिट पोल में बहुत सारा दिखाया जा रहा है कि बीजेपी बोलती है कि हम जीतेंगे। कांग्रेस का तो खैर दबा दबा है, ये है कांग्रेस का दबदबा इतनी है कि उसको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट तो कल आ ही जाएगा। लेकिन कल रिजल्ट आने से पहले हम सोच रहे थे एक बार वीडियो बना लें, क्योंकि इस पर कांग्रेस का दबदबा तो है, लेकिन क्या बीजेपी कल बाजी मारेगी? अब बाजी मारेगी तो क्या कैसे मारेगी? कहीं ये मशीन का खेल तो नहीं हो जाएगा ना, ये ईवीएम का खेल तो नहीं है? तो उसी पर एक देखेंगे कि एक वीडियो लाए हैं आपके सामने। उस वीडियो में उन्होंने डिस्कशन किए हैं कि राहुल गांधी को कितने सीटें मिल रही हैं और कौन कौन से राज्यों में आने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। थे और बाकी 8 में भी कांग्रेस चुनाव में थी। 2 में थोड़ा सा कमजोर थे, बाकी 6 में कांग्रेस क्लियरली कंटेस्ट में है। तो 2 सीट कांग्रेस का तो संभव नहीं। सर, सभी उम्मीद लगा रहे थे कि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को निराश कर सकती है कि जो बिल्कुल फाइट है वो टफ है। तो कहाँ क्या कमियां रह गई सर? जब आप गवर्नमेंट में रहते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं कि आप उम्मीदों पे पूरा खरे नहीं उतर पाते। गवर्नेंस में आप जब रहेंगे तो आपने इतना काम किया, लेकिन जो काम नहीं हुआ जो वो ज्यादा सामने दिखता है। तो ये एक परिस्थिति हमेशा किसी भी गवर्नमेंट के सामने बनती है। और अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। तो क्या इस बार सीएम टीएस सिंहदेव बन रहे हैं? नहीं, हाईकमांड जिनको बोलेगा, वो पिछले बार वाली बात जो मीडिया में चली थी 2.5 साल वाली, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई हमारे बीच में प्रत्याशी, ऐसे हम लोगों ने आपस में भी बात किया, सभी सीनियर लीडर्स, हमारे स्टेट प्रभारी के साथ मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने ये एक राय निर्णय किया है कि हाईकमांड जो तय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। सर, छत्तीसगढ़ की बात को पड़े रखे, अगर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, वहां पे बीजेपी को एज दिखाई दे रहा है, इसको तो कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान टफ रहता है क्योंकि वो 5 साल 5 साल वाली बात है, लेकिन वहां वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं करके मेरे को लगता है कि गहलोत जी ने जो काम किए, बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम उन्होंने वहां किए, तो वसुंधरा को आगे नहीं करना, वसुंधरा जी को और गहलोत जी के काम, ये कांग्रेस को एज देगा। सर, तेलंगाना में कांग्रेस कांग्रेस को एज मिल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये खुशी की बात है, पिछले 6 महीने में विशेष करके कांग्रेस ने काफी ग्राउंड गेन किया। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी की उपस्थिति विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से हुई है, उसने एक रिसर्जेंस कांग्रेस को महसूस करने का मौका दिया। सभी जगह आप देखेंगे कि कांग्रेस के लोगों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, आम जनों में एक परसेप्शन बना कि ये कांग्रेस राहुल जी के माध्यम से एक बेहतर विकल्प देश में दे सकती है। और ये आपको ट्रेंड इन चुनावों में भी देखने को सर, मैं मिलेगा। फिर से छत्तीसगढ़ पे आऊंगा, क्योंकि जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं 4-5% कमा है। तो क्या जो अदर्स को तकरीबन 11% वोट मिल रहा है उसको, तो कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई होगी साधने में, ऐसा कुछ? कांग्रेस का वोट शेयर कम मेरे ख्याल से प्रोजेक्शंस में नहीं दिखाया है। पिछले बार भी 42% के आसपास वोट शेयर था, बीजेपी का 32 था। अभी प्रोजेक्शन में आप बीजेपी को गेन दिखा रहे हैं, वोट शेयर में उनका गेन दिखा रहे हैं। और आप ट्रेडिशनली देखिएगा तो बीजेपी और कांग्रेस के एक बेसिक मिनिमम वोट शेयर दोनों के हैं, चाहे किसी को कितनी भी सीट आए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, एक बेसिक वोट शेयर दोनों के बरकरार रहते हैं और 10% फ्लोटिंग वोट रहता है। इसका जिस जो हिस्सा जिसको ज्यादा जा रहा है उतनी लीड उस पार्टी को मिल जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में क्या राय है एग्जिट पोल को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।